देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथ ही देश में शहीद स्मारकों को सहेजने की बात कर रही है, लेकिन गंज बासोदा का शहीद स्मारक जय स्तंभ चौक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। कहीं न कहीं इस हालत के जिम्मेदारों को जय स्तंभ चौक की मरम्मत और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की देखरेख करनी चाहिए। नगर के जय स्तंभ की रोटरी टूटी हुई है, जबकि एक साल पहले ही पुरानी रोटरी को तोड़कर यहां नई संरचना की गई थी। जय स्तंभ चौक गंज बासोदा के बीचों बीच स्थित शहीदों की याद में निर्मित एक स्मारक है। देशभक्ति से ओतप्रोत लिखे नारों का प्रतीक जय स्तंभ के जर्जर दीवारें शहीदों का अपमान कर रही है, लेकिन प्रशासन है कि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जबकि देश इस वर्ष आजादी के 75वीं वर्षगांठ में कदम रखने जा रहा है। सौंदर्यकरण और अमृत महोत्सव के तहत शहीद स्मारकों को सहेजने की तैयारी की जा रही है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। समय मैं आपसे कहना चाहूंगा, केंद्र एवं राज्य सरकार 75 हफ्ते पहले एक अभियान चला रही है देश के शहीदों के लिए। यह हमारे शहर का शहीद स्तंभ है, जय स्तंभ चौक है, जिसका निर्माण नगर पालिका ने कराया था। स्तंभ होता है या कोई भी राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, उसकी एक आचार संहिता होती है। नगर पालिका ने पहले तो स्तंभ का पूरा स्वरूप ही खत्म कर दिया, इसे एक चारों तरफ पिलर उठा दिए, दूसरे स्वरूप में बना दिया। दूसरा, इसका जीर्णोद्धार कराते हुए 5 लाख के लगभग रुपए खर्च किए और ये चंद दिन में नहीं चला, वो आपके सामने टूटा पड़ा है। ये हमारे देश के शहीदों का अपमान हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जय स्तंभ चौक का पुनः सौंदर्यकरण किया जाए। स्थानीय प्रशासन से मेरा ये कहना है, क्योंकि इससे पहले जो रोटरी बनी गई थी जय स्तंभ चौक की, वो बहुत काफ़ी सुंदर थी और अट्रैक्टिव थी। नगर पालिका द्वारा इस रोटरी को 5 लाख रुपए की लागत से फिर से बनाया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन जीर्णोद्धार की जगह पे ये रोटरी पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब बनाई गई थी। और अब हाल ही में आप देख रहे हैं, पिछले 2 महीने में इस रोटरी की हालत क्या हो गई है। इसके पहले भी एक बार किसी वाहन ने, अज्ञात वाहन ने इसको तोड़ दिया था, लेकिन प्रशासन उस समय भी कैमरे होने के बावजूद भी उस वाहन को आज तक नहीं पकड़ा गया है। इसके बाद में पिछले 3 दिन पहले फिर एक वाहन ने इसको टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस तरीके से फिर भी इसके बाद भी पुलिस द्वारा इस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है स्थानीय प्रशासन और नपा जो आए दिन बनती रहती है, टूटती रहती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की उदासीनता कही जा सकती है? बिल्कुल जी। और क्या मांग रखते हैं आप? स्मार्ट सिटी का दर्जा है शहर, शहर में स्मार्ट सिटी का दर्जा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जहाँ जहाँ रोड डेवलप हो रही हैं, रोटरी डेवलप हो रही है, उनको सही तरीके से डेवलप किया जाए। सुभाष चौक पर भी जो रोटरी बनाई गई है वहाँ भी कोई दर्ज नहीं है। नेहरू चौक पर बनाई गई जो रोटरी है उसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, छोटी सी कर दिया गया। इसी तरीके जय स्तंभ, तो जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको कोई भी सही तरीके से दर्जा नहीं मिल पा रहा और उनका अपमान किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।